प्रश्न आया है, एडवांस में जो अचानक शरीर छोड़ते हैं उनको तुरंत शरीर मिलेगा या भटकना पड़ेगा? अचानक शरीर छोड़ने वालों में भी दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं जैसे युद्ध भूमि में युद्ध करते करते, सत्य असत्य के लिए युद्ध करते हैं ना, तो युद्ध करते करते जो शरीर छोड़ते हैं उन्होंने अपने लिए शरीर छोड़ा या अपने देश के लिए शरीर छोड़ा? पर कल्याण के लिए शरीर छोड़ा या स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ा? तो उनको सूक्ष्म शरीर का बंधन बंधे ना, बंधना चाहिए या नहीं बंधना चाहिए? नहीं बंधता है। ऐसे यहाँ ज्ञान में जो स्वार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं हठ में आ जाते हैं, अगर हमको ये चीज नहीं मिलेगी हम प्राण छोड़ देंगे, हमको ये व्यक्ति नहीं मिलेगा तो हम प्राण छोड़ देंगे, तो ऐसे हठ पूर्वक जो शरीर छोड़ते हैं स्वार्थ के लिए उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधना पड़ता है। और जो परमार्थ के लिए शरीर छोड़ते हैं अचानक, उनको सूक्ष्म शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। और जो सूक्ष्म शरीर के बंधन में बंधते हैं उनको पुरुषार्थ करने का वो समय, जिसमें उन्होंने सूक्ष्म शरीर से कार्य किया है, उसमें ना पाप बनता है और ना पुण्य बनता है। पुरुषार्थ करने का समय नहीं बनता, लेकिन आत्मा जो है वो अनुभवी तो बनती है। क्या वो अनुभव के संस्कार ले जा करके दोबारा जन्म लेते हैं, और जन्म लेकर के लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ करते हैं। इसलिए एडवांस में आने वाले अगर यदा कदा सूक्ष्म शरीर धारण भी करते हैं तो उनको उतना घाटा नहीं है जितना बेसिक में चलने वाले शरीर छोड़ते हैं अचानक, उनको घाटा होता है। उनका तो एक ही आधा जन्म ही कम हो जाएगा, और इनको तो पूरे 84 जन्म मिलते हैं।